लिंक पर रोल बोल ओके फर्स्टली गुड टू सी यू इन खतरों के खिलाड़ी यू आर गोइंग इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल योर फैंस बिकॉज़ दे वांटेड टू सी यू इन रियलिटी शो एंड यू आर डूइंग अ रियलिटी शो टेल अस समथिंग अबाउट इट हाउ इज़ द फीलिंग आई एम फीलिंग ग्रेट आई एम फीलिंग थ्रिल्ड बिकॉज एक्चुअली ये एक रियलिटी शो है द ओनली रियलिटी शो विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट सिंस आई वॉज केम जब ये इंटरनेशनल फियर फैक्टर था देन इट केम टू इंडिया मैं हमेशा इस शो को देख के मुझे लगता था यार ये शो मुझे करना है बिकॉज मुझे बचपन से ही एडवेंचर्स और मुझे वैसी वाली लाइफ बहुत पसंद है आई हैव ऑलवेज बीन दैट टफ गर्ल सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी जो डिफरेंट साइड दिखने वाली है बिकॉज प्रॉब्ली नोबडी हैज सीन मी डूइंग द थिंग्स दैट आई लव टू डू सो दैट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग सो लोगों को भी एक नई चेतना से मिलने को मिलेगा विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट रियलिटी शो के माध्यम से एक नया मीडियम एक्सप्लोर करते हैं लेकिन यू नो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट योर करियर और समथिंग लार्जर देन लाइफ विशेस तो क्या इस माध्यम से आपको वो लार्जर देन लाइफ विशेस फुलफिल होता है सो आई थिंक यू नो I never knew ki jo reality shows hai unka kya concept hai but I've actually been a part of the reality show but I think it's great because आपको जो आपकी ऑडियंस और आपके फैंस होते हैं वो आपको हमेशा एज अ कैरेक्टर जानते हैं जब उनको आपकी रियल सेल्फ से प्यार होता है ना सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विन जब पीपल एक्चुअली गो क्रेजी फॉर हु यू आर एंड दिस इज़ व्हाट माय मेन आइडिया इज दैट आई एम गोना परफॉर्म बी माय सेल्फ एंड कम बैक आई एम नॉट थिंकिंग टू मच कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है आगे क्या चीज़ें मेरे आगे आने वाली दैट इज़ होली सोली डिपेंड्स ऑन मी एंड माई टैलेंट इफ आई एम टैलेंटेड नथिंग कैन स्टॉप मी आई एम डेफिनेटली गोना गो अहेड एंड क्रैक व्हाटएवर बिग थिंग्स दैट आर देयर फॉर मी बट ऑफ कोर्स रियलिटी शो इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट विद बिकॉज बहुत ही रियल जर्नी होती है बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं होता इट्स जस्ट यू योर स्ट्रेंथ्स योर फियर्स यू गोना कॉन्कर ऑल ऑफ दैट सो आई थिंक दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग वी हैव सीन यू इन क्लास ऑफ 2020 एस ऑफ स्पेस यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट डू यू थिंक दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू वर्क इन खतरों के खिलाड़ी See that is that shooting thing is completely different but जो आपकी life के experiences होते हैं I think कहीं ना कहीं आप एक महीने में prepare नहीं कर सकते ऐसे show के लिए या आपकी life आपको starting से prepare करती है to come to a point where you feel today I'm ready कि मैं सारे अपने fears को conquer कर सकूँ मैं physically भी strong हूँ मैं mentally भी strong हूँ so I think मेरी journey ऐसे रही है I've been alone in this city बहुत सारे challenges accept किए हैं so I feel I'm completely prepared since my childhood to go and face something like that your good friend Varun Sood was also part of khatron ke khiladi kya aapki kuch unse baatein hui koi charcha hui kaise stunt kiya jata hai kis tarah se perform kiya jata hai no I am not in touch with him but Arjun Bijlani is a very good friend of mine and of course usne mujhe kafi kuch bataya is bare mein that it's a great show be ready to go to your extremes bahut kuch hone wala hai but just listen to Rohit sir and his instructions and I think that will get you through this whole thing so yeah usne mujhe kafi interesting ideas diye hain and he has won the show which was brilliant and his journey was also great what fears you most the water stunt or this animal stunt or height stunt I think mujhe animals se bhi dar lagta hai aur mujhe pani se to lagta hai because there was a situation jahan main ek bar almost I was drowned shooting for a show so pani ka bahut zyada fear hai so just I'm waiting ki how do I conquer that fear खतरा जब रिस्क कम है व्हाट यू हैव एनालाइज जब तक ग्लैमर इंडस्ट्री में शो बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू हैव सीन रिस्क फैक्टर अबाउट द शो इंडस्ट्री आई थिंक आपको लाइफ में रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आप एक तरह की चीज़ नहीं कर सकते आपको हमेशा डिफरेंट टाइप की चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है सम थिंग्स वर्क फॉर यू सम थिंग्स डजंट वर्क फॉर यू सो बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए आई डोंट बिलीव इन दैट आई फील कि आपको जो आपके लिए सही लगता है यू डू दैट गिव योर 100% एंड लेट एवरी थिंग हैपन ऑटोमेटिकली सो मैं किसी भी ऐसे रूल बुक के हिसाब से नहीं चलती हूँ आई जस्ट व्हेन आई गेट अ राइट फीलिंग टू डू समथिंग आई जस्ट से यस आई थिंक दिस वाज वन शो द मोमेंट इट वाज ऑफर्ड टू मी आई ऑलरेडी आई वाज डूइंग अ फिल्म बट
फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार मुझे ये शो करना है. सो यू नो समहाउ आई मैनेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई फाइनली चोज दिस शो व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट बिकॉज एक्टिंग इज ऑल्सो अ ग्रेट पैशन फॉर मी एंड एडवेंचर इज ऑल्सो दैट. सो आई वॉज इन द थिंग वॉट डू आई चूज बट आई चोज दिस राइट नाउ बिकॉज आई फील आई वॉज कम्प्लीटली रेडी फॉर दिस जर्नी. वॉज इट डिफिकल्ट for you to, because Brahmastra ki shooting abhi kaafi baki hai and you are the part of it and doing I am not part of it. Okay, so ab film ki baat kar rahi thi koi uski shooting baki rahegi to no I was actually offered a big film and I was supposed to do it also but kuch dates ka wo hua tab mujhe ye show bhi offer hua tha to earlier I was not I was thinking कि मैं क्या करूँ then finally I chose कि मुझे ये करना है because उसकी dates थोड़ी सी आगे हो गई थी so that's when I chose this. And what do you want to say about the Rohit sir because he is very straightforward with if you are not doing the stunt he'll shout you and funny also tell us how excited are you to work with. Actually मैंने Rohit sir का बड़ा you know like strict वाला और जैसे when he was in set he used to do fun but वो बड़ा focus वाला zone था when he's directing and when I have seen the previous episodes he's actually a complete different person. He's doing a lot of fun also, he's being serious also, वो डांटते भी हैं but I think that's the part of a mentor you know when he has these 14 students 14 students and हर तरह का आपको वो करना पड़ता है. सो आई एम ऑल रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट बिकॉज दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट दैट्स गोना टेक अस अहेड इन द शो. वी हैव सीन यू परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर द एमटीवी नाउ यू आर पार्ट ऑफ कलर्स एंड एंडमॉल. एंडमॉल हैज वन मोर शो कॉल्ड बिग बॉस एंड फैंस वांटेड टू सी यू इन बिग बॉस बट इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू सी यू इन खतरों के खिलाड़ी. कैन वी सी यू इन बिग बॉस इन फ्यूचर. I don't know that depends on when it happens. First तो अभी मेरा all focus is on खतरों because I think खतरों is the kind of show which definitely suits my personality and which I always felt कि ये मेरे लिए बहुत apt show है. इसलिए मैंने खतरों के लिए मतलब I was thinking कि यार अगर मुझे ऐसा show करने का मिलेगा I would definitely go for it first because this is very exciting. Like seeing yourself doing all of that, it's something that you take up for the life. मतलब आप lifetime उस चीज़ को देख के proud feel करोगे. तो मेरे लिए ये ज़्यादा important है. Lastly, a small message to your fans. I just want to say thank you so much for all the love and support you guys been showering. अभी मेरी एक नई journey start होने वाली है and I need all the blessings, love and support from you guys and I promise I'm going to entertain you as much as I can. Thank you. Thank you.